झूठे माते वाले झुंड की खाके कितक। गुड मॉर्निंग जी। फाइनली जाकर वो दिन आ गया है जिस दिन हमको हमारे घर में शिफ्टिंग करनी है। वैसे दो तीन दिन से तबीयत खराब थी, इसलिए ये शिफ्टिंग जो 3 दिन पहले होने वाली थी वो 3 दिन बाद हो रही है। फाइनली जाकर अब थोड़ी सी हालत सही हुई है हमारी। और हमारा यहाँ पर सिल्वर बटन होता था, अब वो सिल्वर बटन वापस हमारे घर जाएगा। काफी लोग बोल रहे हैं कि आप होम टूर दीजिए, जब हम पहुंचेंगे तभी तो होम टूर देंगे। बाकी पूरी पैकिंग हो चुकी है, टेम्पो आ रहा है, टेम्पो में सामान चढ़ाया जाएगा, फिर आपको घर पर लेके जाया जाएगा। पर घर पर लेके जाने से पहले हमारी हालत खराब हो जाए, उसके बाद शक्ल दिखाने लायक, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उससे पहले हम पूछ लेते हैं कि कितना मजे सारे बढ़िया। आप बहुत बढ़िया, बहुत ही खुश है। सबसे बड़ी जंग क्या है? शीशा बचाना। मुश्किल पार्ट क्या है कि लेबर नहीं है, लेके बंदे लेबर बन गए आज। सामान वामान सब सेट हो गया है, ये हमारे नए लेबर थे आज के। तो अब मैं इन लोगों को बाय बाय करते हैं। चलो जी बाय बाय वीरे, बाय 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 बाय, रब राखा जी, रब राखा। सामान सही से पहुंच रहा चाहिए। चले भाई चलो। सबसे अच्छी फीलिंग पता क्या होती है? क्या होती है विशाल भाई, आप बताओ सबसे अच्छी फीलिंग? जब घर शिफ्टिंग हो रहा होता है, जब घर शिफ्ट हो रहा होता है और आप टेम्पो में बैठ के जाते हो, ये रिचुअल है हमारा। मतलब जब भी सामान जाता है हम उसके साथ जाते हैं, इसका मजा अलग है। ऐसा तो हम बाइक पे भी जा सकते थे, टैक्सी करके भी जा सकते, पर नहीं, टेम्पो में लेके जाएंगे, इसका मजा अलग है। खुद की घर की शिफ्टिंग और खुद घर तक पहुंचने का सामान लेके, मजा अलग है। विशाल भाई कह रहे मेरे को पता लग गया आप ब्लॉगर हो। विशाल भाई आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? वेरी गुड, कल दिख जाएंगे फिर। ये मजा आ रहा है, बस नए ठिकाने पे लग जाएंगे। नहीं है जी स्वाद, सामान जा रहे हैं, घर दिखाएंगे आपको। प्राइस कितना है सीएनजी का? 76। बताओ सीएनजी भी इतना महंगा हो गया, ये भी भरवाना जरूरी है जी? ये सर जी बोल रहे हैं कि मैंने भरा और हमारी फोटो नहीं ले रहे। आइए हमारे पंप पे आके, आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, आप भी आइए हमारे पंप पे। हमारा कोई भी काम हो उसमें बारिश ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। सर जी कह रहे आपने बारिश मांगी, बारिश आ गई। मैं इनको बता रहा हूँ, एक साल से मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ वहाँ वहाँ बारिश हो रही है, और इतना बड़ा काम करने जा रहे बारिश ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे भी अगले 3 महीने तो बारिश आने वाली है, तो ये मेरा अकेले का नहीं है, सीजन का भी कसूर है। पर अभी क्या हो रहा है मुंबई में कि बारिश पड़ रही है और दिन में इतनी गर्मी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही। पर अभी अच्छा लग रहा है, सामान भीगना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा रिस्क अब ये है कि सामान भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव सामान होता है। और बारिश बारिश तो ब्यूटीफुल, क्या कहते हैं विशाल जी? वाह। विशाल भाई हंस रहे हैं, हमारा सामान जा रहा है। वेरी गुड। टेंट लगाया है। फाइनली जी घर पहुंचते पहुंचते हालत खराब हो गई है, पसीने कपड़े। हाँ, तो ये अभी इतना सारा सामान आ गया, इन सबको सेट किया थोड़ा बहुत। क्या है कि पूरा हाउस टूर जो है वो आपको आराम से देंगे, थोड़ा सामान वामान सेटल कर लें, क्योंकि अभी तो हमारी हालत भी नहीं है वो वाली कि आपको दिखा सकें, क्योंकि बहुत ही खुशी से दिखाना चाहते हैं। और ये सामान ऐसे बिखरा रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। अभी वैसे भी हमारे को बहुत सारा सामान उठाना है बाकी जगह से भी, वो भी निकलना पड़ेगा। और हमारी हालत देख रहे हैं, मतलब बाहर बारिश हो रही है, हमारे चेहरे पर बारिश हो रही है, हमारे शरीर में बारिश हो रही है, ऐसी कैसी बारिश है। बाकी घर की बधाइयाँ जी, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लग रहा है। बाहर से देख लो जी, एक खूबसूरत सा हॉल है, मजा तो आने वाला है जी। चलो आज इतना भाग भाग के काम हो रहा है जी, अभी रस्ते में हमारे पास टाइम नहीं है, रस्ते में खड़े होकर बड़ा भाव खा रहे हैं, क्योंकि खाना खाने बैठेंगे तो 1 घंटा निकल जाएगा और 1 घंटे में सारा काम हो सकता है, तो क्या चूज करोगे, चलते चलते खाना खाना या खाना खाना? आई नो पेट पूजा भी इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी पानी पियोगे? हिचकी आने लगी तुम्हारे पास? तुम्हारी गर्लफ्रेंड याद कर रही है, बीवी याद कर रही है? बीवी याद कर रही है, तो इन्जॉय। मेरे दोस्त
क्या है कि आज मैं वसूली भाई हूँ सबसे वसूली कर रहा हूँ जो जो सामान छोड़ के गया था। रखो जी, रखो रखो। यस, आवाज, सामान चढ़ाया जाए। यार अलमारी तो मस्त लग रही है। हाँ हाँ, जाएगा जाएगा जाएगा। तो देखो जी, दूसरी अलमारी जो खरीदी गई है वो आपको घर सेट होएगा तब दिखेगी। बहुत दिख रही है। नाइस नाइस नाइस। चलो निकलते हैं घर से। आइए लोग आ रही है। सलमान भाई हम आ गए मुंबई में, थोड़ा आइए घर पे आइए कभी, है ठीक है ना। पेप्सी वेप्सी नहीं पीते अपने, जूस वूस लेके आना ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम कौन है, आज हम है वसूली भाई। वसूली, आज तो वसूली में निकला है। आज देव के घर से कुर्सी उठा ली गई, तुम्हारे घर से क्या उठा रहा है? मेरे घर से गद्दा। ये सोने पे सुहागा। फिर अब हम सामान लेके जाएंगे, इसको कैसे चढ़ाया था सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये मेरे को सही में याद नहीं है, लेकिन बड़ी मुश्किल से चढ़ा था, मतलब क्योंकि ये ऐसे क्या बोलते हैं, दबा दबता नहीं है ना सही से। नॉर्मली मैट्रेस क्या थोड़ा सही से ऐसे दब जाते हैं तो निकल जाता है। ये जाते हुए कुछ सामान थे जब हमने एक साल पहले घर छोड़ा था, तो एक कुछ सामान हमने इधर उधर दिए थे। हाँ। जब इसने छोड़ा तो इसने हमारे को कुछ दिया था, फिर वापस इसके पास पहुंचा था, तो ये कुछ चीजें बढ़िया बढ़िया घर सेट हो रहा है, सेट कर आ जाती वहां पर जश्न मनाएंगे। ठीक, चलो लेके जाते हो इसको। वेरी गुड वेरी गुड। और टीम टीम लग रही है इस तरफ तक। ऊपर कर दूं, ऊपर से दबाता हूं मैं। ये तो एक टूट गया ना, दबाएगा तो यहां फंस भी जाएगा ना। तो इसको ऐसे दोनों यहीं पर हाथ रख के रखना नीचे पर खिसके। ओके, तो हम बचा रहे हैं इसको क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और ये निकाल दिया गया है। मतलब हमारा काम प्रोसेस में पूरा हो गया, टेम्पो में चढ़ाना रह गया, यही है जी सीन। मेहनत बहुत हो रही है इस बात पे, सब्सक्राइब कर ही लो। क्या कर लो? सब्सक्राइब बिल्कुल कर लो। मेहनत, यस, सोने का जुगाड़ हो रहा है। धन्यवाद। फाइनली गद्दा अपनी जगह पर पहुंच गया जी। थोड़ा बहुत सामान हमने सेट कर दिया है, और आते ही सारा सामान सेट करने के बाद थोड़ा सा नहाया। नहाने के बाद हमारे को पता लगा कि हमारी बैग की नस खींच चुकी है, और नस खींचने की वजह से हमारे दर्द बढ़ता जा रहा है। वोले नहीं लेके आया हूँ, वोले नहीं थोड़ी लगाऊंगा, उसके बाद थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बहुत सारा सामान है जो इधर उधर बिखरा पड़ा है, जैसे कि ये चेयर वेयर आ गई है, ये अलमारी है जो अभी तक अलग अलग हुई पड़ी है हिस्से से। तो बहुत सारा सामान है जो बिखरा पड़ा है, इसको सबको सेट करना है। तो सेट करके मेरे को लगता है कि आप लोगों को दिखाना चाहिए, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि ब्लॉग कितना बना है, क्या हुआ है, पर मेरे को लग रहा है कि अगर मैं ब्लॉग करता रहूंगा तो आगे काम नहीं होएगा। तो मैं पहले थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अगर रात तक सेट हो गया तो आपको दिखाता हूँ, नहीं तो समझते एक बार। फाइनली जाकर थोड़ा बहुत ये सेट हो गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये थोड़े वार्डरोब जो, अरे खुल, अरे भैया, हाँ सॉरी, ये देखो जी कपड़े वपड़े थोड़े सेट हो गए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या है कि इसको सही से मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो सुबह उठ के क्या पहनना है ये सबसे बड़ी टेंशन शुरू हो जाती है। तो मेरे को लग रहा है कि ये वाला एरिया थोड़ा सा खूबसूरत हो गया है। बाकी जो सबसे खूबसूरत एरिया होगा जिधर हम सुख शांति से रहने वाले हैं, वो है ये खूबसूरत सा एरिया, यानी कि बेडरूम। सबसे पहले हमने इस एरिया को सेट किया है ताकि ये अच्छा लगे यहाँ पर हमारे को। जितनी भी थकावट होगी थक कर आएंगे यहाँ पर, जो एक साल से हम घूम रहे थे और सोचते होते काश अपना बेड होता और अपने बेड पर जाकर सुकून से सोता, तो शायद ये वो जगह होगी जहाँ पर हमारे को फीलिंग आने वाली है। तो बस यही है, बाकी आपको शक्ल से आइडिया हो गया है क्या हालत होगी, बाकी कैसी रहेगी पहली रात वो आपको कल बताएंगे। बाकी अभी जो करने वाले बहुत ही, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है जी ये, इस ये लगानी बहुत जरूरी है, क्योंकि बैक में बहुत पेन आ गया है सामान ऊपर नीचे करके, उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी, नहाकर फिर से शुरू हो गया, जितना काम करना था वो सब निपट गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी अब सीधा क्रैश हो जाएंगे। आई होप आपको घर भी पसंद आया होगा, ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा, इतनी सारी मेहनत हो रही है और वापिस से आ गए हैं, वापिस से कहीं ना कहीं जाकर फिर से कनेक्ट हो रहे हैं अपने और रूम के साथ, घर के साथ। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। जितने भी लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि आपका घर हो गया, सीरियसली थैंक यू वेरी मच, हमको भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ठीक है जी, आज इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। हम तो सीधे आपका ख्याल रखो, असी का ख्याल रखेंगे, चंगा फिर रब रखा, मिलके घर बनाएंगे, लगे हुए हैं अभी, राशन वाशन बहुत कुछ लेना है, सब कुछ बनाएंगे, घर बनाएंगे, हमारा घर।